Hello my dear students, good morning. Welcome in our EBS class. Today we will start our next chapter, Me and My Surrounding. मैं और मेरे आसपास, मेरे चारों तरफ क्या क्या होता है. अपने आसपास आपने एनिमल्स तो देखे होंगे, जानवर देखे होंगे. आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में. डोमेस्टिक एनिमल मतलब होता है घरेलू जानवर. घरेलू जानवर के अंतर्गत कौन कौन आता है? काऊ, COW काऊ, DONKEY डंकी, DOG डॉग, HORSE हॉर्स, REBBIT रैबिट, SHEEP शेप, GOAT गॉट, CAT कैट, HEN हैन. ये सभी क्या होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, घरेलू जानवर. नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर. ओके, जंगली जानवर के अंतर्गत क्या क्या आता है? एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट, जिराफ, GIRAFFE जिराफ, जेब्रा, ZEBRA जेब्रा, FOX फॉक्स, LION लॉयन, BEAR बियर, TIGER टाइगर, उसके बाद DEER डियर, RENDER रेंडियर. ये सभी क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल होते हैं. ओके, मूव ऑन अवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 86. Write W for wild animals and D for domestic animal. Wild animal के लिए हमें W लिखना है और domestic animals के लिए हमें D लिखना है. Look at our first picture, आपको क्या दिखाई दे रहा है? Lion, lion दिखाई दे रहा है, शेर दिखाई दे रहा है. और शेर कहाँ पर रहता है? जंगल में रहता है. शेर एक जंगली जानवर है, wild animal है. Wild animal के लिए हमें क्या लिखना है? W. ओके, नेक्स्ट आपको क्या दिखाई दे रही है? शिप, शिप. और शिप एक डोमेस्टिक एनिमल है, घरेलू जानवर है. ओके, डोमेस्टिक एनिमल के लिए हमें D लिखना है. नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है टाइगर. टाइगर मतलब होता है बाघ. टाइगर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है. टाइगर भी एक क्या हुआ? वाइल्ड एनिमल हुआ, जंगली जानवर. ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं डियर. डियर कहाँ पर रहता है? जंगल में रहता है. तो ये भी एक वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं रैबिट. रैबिट एक घरेलू जानवर है. रैबिट को हम घर में भी पाल सकते हैं. ओके, रैबिट एक डोमेस्टिक एनिमल है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं कैट. और कैट भी एक डोमेस्टिक एनिमल है. कैट भी एक घरेलू जानवर है, इसे भी हम घर पर पाल सकते हैं. नेक्स्ट आप देख सकते हैं हॉर्स. हॉर्स को भी हम घर में रख सकते हैं, घर में पाल सकते हैं. घर में रखते हैं उन जानवरों को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स बोला जाता है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं बियर. और बियर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है. जंगल में रहने वाले जानवरों को क्या बोला जाता है? वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर बोला जाता है. नेक्स्ट है हैन. हैन मतलब मुर्गी. और हैन एक क्या है? डोमेस्टिक एनिमल है, घरेलू जानवर है. ओके, मूव ऑन अवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 87. ड्रॉ लाइंस एंड मैच द वाइल्ड एनिमल्स टू द जंगल एंड द डोमेस्टिक एनिमल टू द फॉर्म. हमें वाइल्ड एनिमल को जंगल के साथ में मैच करना है. आपको जंगल दिखाई दे रहा है? यस. हमें वाइल्ड एनिमल को जंगल के साथ मैच करना है और डोमेस्टिक एनिमल को फॉर्म के साथ में मैच करना है, घरेलू जानवर जो घर में रह सकते हैं. फर्स्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रही है एलिफेंट. एलिफेंट कहाँ पर रहते हैं? जंगल में रहते हैं. और एलिफेंट एक वाइल्ड एनिमल है, तो हम एलिफेंट को जंगल के साथ में मैच करेंगे. नेक्स्ट है डॉग. डॉग मतलब कुत्ता. और डॉग को हम कहाँ पर रख सकते हैं? घर में पाल सकते हैं. तो डॉग को हम फार्म के साथ में मिलाएंगे, फार्म के साथ में. नेक्स्ट जिराफ. जिराफ कहाँ पर रहता है? जंगल में रहता है.
जिराफ एक वाइल्ड एनिमल है, तो हम जिराफ को जंगल के साथ में मैच करेंगे। ओके, नेक्स्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, काउ। काउ को हम घर पर पाल सकते हैं, तो काउ को हम फार्म के साथ में मिलाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, हिरण मतलब डियर, और डियर कहाँ पर रहता है, जंगल में रहता है, तो हम डियर को जंगल के साथ में मिलाएंगे। डियर एक वाइल्ड एनिमल है। ओके, टॉपिक इज कंप्लीटेड।